हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम टीजीटी जो है यूपी टीजीटी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 2005 का पेपर है। तो पूरा सॉल्व पेपर है ये, पूरा का पूरा इसमें आंसर्स हैं सारे के सारे, और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं 2005 में वो इसमें कंपाइल करे गए हैं। अब इसमें जो है 2003 का पेपर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, 4 का भी अपलोड कर चुका हूँ, 2005 का कर रहे हैं। तो 2000 अब तक मतलब जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे मैं अपलोड करने वाला हूँ इसी पे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको कोई भी पेपर आपका छूटे ना, और फ्री में ही आपको पेपर सारे के सारे मिल जाएं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बात करें। पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। आपको स्पेलिंग दे रखी है क्विंटेसेंस की, आपसे पूछा गया है कि क्विंटेसेंस की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, 1, 2, 3 या 4। पहले तो ये बात कर लेते हैं क्विंटेसेंस होता क्या है। इसका वर्ड होता है, ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का हम परफेक्ट एग्जाम्पल अगर हम दे सकते हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल यानी उससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, तो इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं। क्विंटेसेंस का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल। स्पेलिंग जो होती है वो होती है इसकी QUINTESSENCE। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वीनस और अडोनिस जो है ये किसका वर्क है। वीनस एंड अडोनिस इज़ अ वर्क बाय शेक्सपियर, मिल्टन, गार्ड्सवर्थ या वर्ड्सवर्थ। तो आपको पता होगा ये बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है बच्चों को, यह शेक्सपियर का वर्क है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आईएससी बोर्ड में जो है ये बहुत ही शुरुआत में स्टार्ट कर दिया जाता है इसको पढ़ाना, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं पन इज़ वट। तो ये क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है, फनी वर्ड होता है, प्ले ऑन वर्ड होता है, ठीक है, या आइडेंटिकल वर्ड्स होते हैं। तो पन जो होता है वो एक प्ले ऑन वर्ड्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वर्स लिवर इज़ कोलोफोन, क्लोज्ड फॉर्म, राइम्ड फॉर्म या ओपन फॉर्म। तो जो वर्स लिबर होता है वो एक तरह का फ्रेंच वर्ड है पहले तो, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है जो कि एक ओपन फॉर्म होती है, और इसमें जो होता है वो डिपेंड करता है कि स्पीच रिदम पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चूज द करेक्ट वर्ब। इनमें से कौन सी वर्ब जो है वो करेक्ट होगी इस सेंटेंस के लिए, दे डैश टू स्कूल बाय बस। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको गोइंग, दूसरा दे रखा है गोस, तीसरा दे रखा है गो, फोर्थ दे रखा है टू गो। ओके, दे है प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल के फॉर्म के साथ में आपको याद रहना चाहिए सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करते हैं, फॉर्म प्लूरल तो सिंगुलर वर्ब, फॉर्म अगर सिंगुलर होगा तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे दे है प्लूरल फॉर्म है तो सिंगुलर वर्ब जो होगी वो होगी गो, दे गो टू स्कूल बाय बस। मान लेते हैं अगर दे की जगह पे ही लिखा होता तो ही के साथ में हम यूज़ करते गोज़, ही गोज़ टू स्कूल बाय बस। सिंगुलर अगर फॉर्म है तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल अगर फॉर्म है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिए। फिर है इंसर्ट द करेक्ट वर्ब। आपको करेक्ट वर्ब बतानी है बार्सिलोना डैश द वर्ल्ड टू द मॉन्जुइक स्टेडियम। तो ब्रॉट, टुक, वेलकम या वेलकम। तो इसका जो होगा आपको दिख रहा है कि बार्सिलोना, ये एक तो पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेस्टोरल पोयम और बाई मिल्टन। कौन सी जो है इसमें से मिल्टन के द्वारा लिखी गई पेस्टोरल पोयम है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है लाइसिडस इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1637 में मिल्टन द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपको बोला है कि एक वर्ड दे रखा है, इसमें करेक्ट पंचुएशन बताइए कहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। अ सनसेट द जनरल किंग टेकिंग डिसीजन मैस्ट फॉरवर्ड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अ सनसेट, फिर द जनरल, फिर टेकिंग डिसीजन मैच्ड फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसमें कॉमा इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है द सॉलिटरी रीपर इज अ, तो ये जो है वो एक लिरिक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 से 11 में आपको क्या करना है कि वर्ब डालनी है करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए, यानी ये जो फिल इन द ब्लैंक वाला पार्ट है यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ब डालनी है जो पूरे सेंटेंस को करेक्ट बना दे, ठीक है। तो ऑप्शन है आपको दे रखा है यस्टरडे एट स्कूल आई डैश बाय द एको ऑफ अ रोर लाफ्टर ऑफ लाफ्टर। तो आई वर स्टार्टल्ड इसका जो होगा, आई वाज स्टार्टल्ड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है वी डैश बाय स्ट्रेंज साउंड। तो वी है क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, तो वी वर स्टार्टल्ड बाय स्ट्रेंज साउंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका दे रखा है मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने लिखी, तो ये लिखी है मैकमिलन ने, ठीक
लिखी क्या बोली है, ये बोली है मैकमिलन ने, तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द पैसिव वॉइस ऑफ, इसकी पैसिव वॉइस बतानी है आपको। जैक वाज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड, ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस कौन सी होगी। पहला दे रखा है जैक वाज बीइंग फोर्स्ड थ्रू द क्राउड, सेकंड दे रखा है द क्राउड वाज फोर्सिंग बाय जैक, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। द क्राउड फोर्स्ड थ्रू जैक, द क्राउड वाज बीइंग फोर्स्ड थ्रू बाय जैक, तो ऑप्शन नंबर फोर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोल रखा है इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसका आप बिलीव ना कर सको, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर फोर अनबिलीवेबल, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज़, तो वो पीरियड है 1625 से 1660 तक, इस पीरियड को जो है मिल्टन पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। तो द एज ऑफ मिल्टन इज़ फ्रॉम 1625 टू 1660, ठीक है, इंक्लूडिंग द कैरोलिन एज 1625 टू 49 एंड कॉमनवेल्थ 1649 टू 1660। फिर आपको बोल रखा है फिल इन द ब्लैंक में, आपको बोला सही प्रपोजिशन इसमें डालिए। आस्क, आस्क के साथ में क्या लगता है, आस्क के साथ में फोर लगता है। आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, ठीक है। फिर आपको दे रखा है इट इज़ अ ट्रांसलेशन डैश होरेस आर्स पोइटिका, ट्रांसलेशन के साथ में इट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ लगना चाहिए, टू तो नहीं लग सकते, इन भी नहीं लगा सकते, फ्रॉम भी नहीं लगा सकते, तो ऑफ जो है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट आपको दे रखा है द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डिसकंस्ट्रक्शन इज, तो वो है जैक्वस डेरिडा, तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, रिदम की करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, ठीक है। रिदम की करेक्ट स्पेलिंग आपने पढ़ी है RHYTHM, कौन सा वाला मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस पर मैच कर रहा है, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है द एज ऑफ मिल्टन हैड थ्री काइंड्स ऑफ पोएट, कौन कौन से थे, तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन, ठीक है। एज ऑफ मिल्टन के बारे में अभी मैंने बताया, दोबारा से रिपीट करते हैं, 1625 टू 1660 तक होती है वो। लिरिकल बैलेट के बारे बात बात करते हैं, वाज रिटन बाय कॉलरिज एंड, और किसने लिखी थी, तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, ये ज़्यादातर प्रकृति के ऊपर भी लिखा करते थे वर्ड्सवर्थ, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 22 लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वैलिड, लेजिटिमेट या लेजिट स्टेटमेंट का भी मतलब यही होता है, वैलिड स्टेटमेंट, ठीक है। ये काफ़ी सारा हम यूज़ करते हैं जब हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है वी डैश, फिल इन द ब्लैंक वाला पार्ट है, वी डैश डिनर एट द पार्क होटल्स यस्टरडे, तो क्या होना चाहिए, वी हैड ईटन होना चाहिए, एट होना चाहिए, वर ईटिंग होना चाहिए, गॉट होना चाहिए, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें टू, इसका करेक्ट आंसर होगा एट। क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस में बात हो रही है अभी, है ना, पास्ट टेंस में बात हो रही है, यस्टरडे वर्ड यूज़ हो चुका है इसमें, तो वी एट डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे, हैड ईटन नहीं आएगा क्योंकि टाइम जो है वो कंटिन्यूस नहीं चल रहा था उस समय, खा नहीं रहे थे, खा चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ, कौन सी फेज में, तो ये लास्ट फेज है इसका, ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है वन हु हेड्स मैन काइंड इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं मिजेंथ्रोप, यानी जो पूरे संसार के जितने भी लोग हैं उन सबसे घृणा करता हो, हेट करता हो उन सबको, उसको हम बोलते हैं मिजेंथ्रोप। फिर आपको दे रखा है वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स इन, तो 1798 से 99 तक जो है उनका काम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा है, 1798 से 99 तक, ठीक है। फिर आपको दे रखा है द रेगुलर ओडे इज़ अ क्लोज इमिटेशन ऑफ, किसका है, तो ऑप्शन नंबर फोर जो है पिंडर, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है गीता 100-100 टाइम्स एवरी डे, तो गीता के साथ में क्या यूज़ होना चाहिए, स्किप्स होना चाहिए, मैंने अभी बताया था सिंगुलर फॉर्म, तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्किलफुल इज़, स्किलफुल का मतलब क्या होता है, स्किलफुल का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो भी बहुत ज़्यादा काम एक साथ में कर सकता है या बहुत ज़्यादा कामों में वो स्किल्ड है, तो इसका एक और जो सिनोनिम होता है वो होता है एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब भी होता है स्किलफुल। फिर आपको दे रखा है मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है, इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है, तो पैसेज की स्पेलिंग गलत है, PASSAGE होता है, यहाँ पे EGE हो रखा है देखो, तो ऑप्शन नंबर फोर इसका गलत आंसर हो गया, यानी ये इसका आंसर है।
फिर आपको बोल रखा है द डार्क लेडी अपियर्स इन दिस सोनेट्स ऑफ, तो शेक्सपियर में आती है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है विच ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग मीनिंग ऑफ द इडियम बैक्ड अप। बैक्ड अप का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी को, जैसे बैकअप का मतलब होता है कि किसी के साथ में खड़े होना, तो सपोर्ट करना भी उसी के तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 33, बोला है टिक द करेक्ट इन्फिनिटिव, इसमें करेक्ट इन्फिनिटिव बताना है आपको। तो आपको बोल रखा है डैश इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ सिनर, तो टू प्रे इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ सिनर, जो सिनर होते हैं जो ज़्यादा बुरे काम करते हैं उनके लिए प्रे करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फिर आपको बोल रखा है 34 में द प्लूरल ऑफ हैंडफुल इज़, हैंडफुल का प्लूरल क्या होता है, तो वो होता है हैंडफुल्स, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको दे रखा है जॉन गॉलवर्दी गॉल्सवर्दी वाज द सन ऑफ, एक ये लॉयर के बेटे थे, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको पहले पढ़ा भी चुका हूँ मैं। ठीक है, तो डेस्टार्ड का मीनिंग क्या होता है अब आपको ये बताना है। डेस्टिट्यूट होता है बिकमिंग ब्रेव या कावर्ड। ठीक है, डेस्टार्ड का मतलब होता है कि कावर्ड, जो इंसान बहुत ज़्यादा कावड़ यानी मैं ये कह सकता हूँ ब्रेव नहीं होता, उसको हम बोलते हैं डस्टर्ड। नेक्स्ट आपको दे रखा है शी ओपन गोज़ टू सिनेमा, आपको क्या करना है कि करेक्ट एडवर्ब बतानी है। ठीक है, एडवर्ब कौन सी वाली है, ये टाइम है, प्लेस है, डिग्री है, ये मैनर है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कौन सी है, तो ये है ऑप्शन 3 फ्रीक्वेंसी जो है वो इसका यूज़ होगा, ओपन जो होता है बार बार जाती है यानी। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है शी बैरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन। ठीक है, तो बैरली का मतलब क्या होगा, अब बैरली में फिर आ जाते हैं तो ये डिग्री की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है विच इज़ नॉट अ शेक्सपियर्स ड्रामा, कौन सा वाला नहीं है आपसे पूछा। देखो हेमलेट तो पढ़ा ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है, रिचर्ड थर्ड भी आपने पढ़ा होगा, टाइटस जो है ये भी पढ़ा होगा, ये आपने शेक्सपियर का नहीं है ये। ठीक है, ये तो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, तो एडवर्ड द सेकेंड जो है वो इन्होंने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला टिक द करेक्ट मीनिंग, मीनिंग बतानी है, ये है इडियम है, वैसे ये फ्रेजल वर्ब है, कम अबाउट ये फ्रेजल वर्ब है, इन्होंने इडियम लिख रखा है, फ्रेजल वर्ब होती है ये। कम अबाउट का मतलब होता है कोई भी चीज़ का होना, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हमने जो है 40 क्वेश्चन अभी करवा दिए हैं, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सीरीज में जो है उसको करवा रहे हैं। टोटल 125 क्वेश्चंस का ये सेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पूरा का पूरा सेट, ये 125 क्वेश्चन का, तो ये पूरा का पूरा मैं इसका जो है करवा दूंगा आपको। तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।